ले चलते हैं आपको कासगंज की खबर की ओर, जहां पर चिकित्सा अस्पताल वेंटिलेटर पर जो मुख्यमंत्री ने बड़े बड़े वादे किए थे चिकित्सा विभाग को लेकर, वो सब फेल होते नजर आ रहे हैं। डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, सारी व्यवस्थाएं फेल हो गई है। दिखाते हैं आपको खास खबर। यूपी के कासगंज जिले में डेंगू और वायरल बुखार की चपेट में आकर लगभग 100 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वही बीमारों की तादाद 100 में, लोग इलाज के लिए जिला अस्पताल का रुख कर रहे हैं, लेकिन जनपद कासगंज का जिला अस्पताल वेंटिलेटर पर चल रहा है। जिला अस्पताल की ओपीडी सुबह 9 से पहले नहीं खुलती, चाहे महिला चिकित्सा हो या पुरुष चिकित्सा, 9:30 से पहले जिला अस्पताल में नहीं पहुंचते, जबकि उनकी हाजिरी रजिस्टर में 8 ही लग जाती है। चिकित्सक के टाइम पर ना पहुंचने पर मरीज दर भर भटकने को मजबूर होते हैं। आपको तस्वीरों में हम दिखाते हैं कि 9 तक जिला अस्पताल की ओपीडी बंद है, साथ ही जिला अस्पताल की चिकित्सक व अधीक्षक दोनों ही मौजूद नहीं है। अब ऐसे में जिला अस्पताल के लापरवाह चिकित्साओं पर लगाम कौन लगाएगा।